अगेन uh, जब TCM भी हमने शुरू किया तो अक्सर लोग र मेरी से पूछते हैं कि नाम आपने कहां से लिया है? And that's probably like from centrum, uh, from centrist to sort of centrum. Really? That's like you know, wow. The, वो पूरा का पूरा एक. Uh, because when I started hearing you अभी कुछ latest videos उसमें आपने कहना शुरू किया you know like I think I am a centrist. I think uh, basically so I really because, like sort of you know क्या? Yeah, basically main to puri campaign chalane ke mood mein hu kyunki maine ye zarar khodo ka ek pura ek आई लव हिम फॉर दिस पॉइंट कि उन्होंने मुझे ये थॉट मेरे दिमाग में है कि अच्छा ओके okay, ये मैं ये हूँ hmm. अच्छा मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें क्यों आती है मैं तो एक पॉइंट पे क्या यार क्या मैं हिपोक्रेट हूँ क्या hmm. मैं मुनाफिक हूँ एक तो हमारे यहाँ वर्ड मुनाफिक का इतना माशाल्लाह से ओवर yeah. यूज हो गया है yeah. इतना ख़तरनाक लफ्ज़ ही है यू नॉट सपोज़ टू से दिस टू एनी वन एंड हाँ यहाँ हर चीज़ तो हर एक को बोली जाती है ना hmm. तो मैं तो ख़ुद परेशान था लेकिन ज़रा खोलू कि मैंने वो एक घंटे की जो है ना वो टॉक सुनी जो उन्होंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में दी थी मैंने बोला यार ये पॉइंट है hmm. और मैंने उनको लिटरली थैंक यू कहा था ये उनके डीएम में जा कि यार ये तो बड़ी खूबसूरत बात है सेंट्रिस्ट hmm. और मैं अकेला नहीं हूँ इसके अंदर मैंने जब इंस्टाग्राम पे लिखा तो मुझे तो बेशुमार hmm. सैकड़ों की hmm. तादाद में रिप्लाइज आए थे इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स देकर हम लोगों को समझा सकते हैं कि आप किस तरह से सेंट्रिस्ट हैं ठीक है सेंट्रिस्ट इन सेंस कि वो कभी कभी

एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टम बर्दाश्त सबसे बड़ी तो वो चीज़ है उसके बाद इफ़ यू फील लाइक यार ये है या वो है एंड दैट्स वोट वी डू लाइक एटलीस्ट इन आर चैनल के वी गिव स्टोरी दोनों साइड्स की एंड देन आपके ऊपर है अब हमारी बहुत सी इट्स लाइक फैसनेटिंग टू सी हमारी बहुत सी ऐसी वीडियो स्पेशली टी एल पी के ऊपर थी और उसके अलावा जनरली भी जो एक्सट्रीम राइट विंग्स वालों ने भी अपने ग्रुप्स में और पेजेस पे शेयर की और एक्सट्रीम लेफ्ट वालों ने भी

बट आप ये कर सकते हैं कि जो ग्रे एरियाज हैं दोनों साइडों के आप उनके दरमियान लोगों को लाएं, हाँ। कि यार जिंदा तो रहना ना तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब बिकॉज आपको गालियाँ दोनों साइड से पड़ती हैं एक, एक वीगन और गोश्तखोर के बीच में बैठ कर कैसा फील होता है आपको या। ये भी आपको गालियाँ दे रहे हैं और ये भी आपको दे रहे हैं